हमारी धरती पर हो रही ऐसी रहस्यमय घटनाएं जिनका वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है। 12 मई 2015, ये वो दिन था जब इंडोनेशिया की किसी नदी किनारे कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसे देखकर वहां खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये विशालकाय भारी भरकम जीव अनजाने तरीके से वहां पर कैसे पहुंचा, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये किस तरह का जीव था, ये यहाँ कैसे पहुंचा, ये सब सवाल वैज्ञानिकों की समझ से परे थे। खैर, इसका जवाब तो आज तक नहीं मिल पाया था। ठीक ऐसी ही घटना 22 मई 2017 को मेक्सिको के किसी एके पुल को बीच पर फिर से देखने को मिल गई। इस बार ऐसा ही कोई रहस्यमय जीव मृत अवस्था में पाया गया। ये भी देखने पर ऐसा लग रहा था मानो ये जीव पानी के अंदर से ही कहीं से आया होगा। वैज्ञानिकों ने भी इसकी पहचान से इनकार कर दिया और कहा कि पृथ्वी पर अभी के समय में ऐसा कोई जीव विज्ञान के अनुसार नहीं पाया जाता। थाईलैंड के किसी बीच पर वहां घूमने आए किसी परिवार की आंखें तब खुली की खुली रह गई जब उनका सामना इन जानवरों से हो गया। देखने में तो ये सभी जीव हमारे ही जैसे दो हाथ और दो पैरों वाले लग रहे थे, लेकिन मौजूदा समय में ऐसे जीव का डेटा साइंस के पास बिल्कुल भी नहीं था। ये जीव बिल्कुल शांत लग रहे थे। उस परिवार ने उनको तकरीबन आधे घंटे तक फिल्माया था। आज भी ये अनसुलझा सवाल ही है कि ये जीव किस तरह के जीव थे। पोर्क के किसी घर में मिला ये जीव भी अनसुलझी पहेलियों की लिस्ट को और बढ़ा देता है। ये वीडियो किसी शख्स ने अपने घर में रिकॉर्ड किया था क्योंकि उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जीव भला है क्या। अगर आपके पास इसका जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये घटना भी हमारे वीडियो की पहली घटना से बिल्कुल मेल खाती हुई नजर आती है। ये सब जीव जो पूरी दुनिया भर में पाए जा रहे हैं, जो इतने विशालकाय होते हैं और खास तौर पर लगभग मरे हुए ही पाए जाते हैं, ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, कहां से ये जीव आ रहे हैं, क्यों ये जीव अब तक हमारी नजरों से दूर थे, ये सभी सवाल आज भी अनसुलझे ही हैं।